हेलो लर्नर्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो होते हैं जिसमें कि ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नॉट द सेम चांसेस टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। इसमें रिसर्चर की जो है वो बायसनेस होती है, और रिसर्चर जिसको चाहे सैम्पल में इंक्लूड कर सकता है और जिसको चाहे सैम्पल में इंक्लूड नहीं कर सकता। वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या अपनी जो भी उसकी स्टडी का पर्पस है उसके अकॉर्डिंग अपने खुद से ही वो सैम्पल को जो है वो सिलेक्ट करता है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड रिसर्चर कब यूज़ करता है, क्या है इसकी अजम्पशन? तो इसकी अजम्पशन है कि सैम्पलिंग फ्रेम इज़ नॉट अवेलेबल। जब रिसर्चर के पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होता, मतलब उसकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, तो उस केस में कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज़ की जाती है। इंडिया में जितनी भी रिसर्चेज होती है उसमें 70-80% जो रिसर्चेज होती है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड पे ही बेस करती है। जैसे अब सपोज आपको रिसर्च करनी है कि आपके कि उत्तराखंड में कितने लोग जो है वो सिगरेट्स पीते हैं, या उत्तराखंड में कितने ऐसे लोग हैं जो पेप्सी पीते हैं, राइट? तो क्योंकि इसका तो कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है ना, कहीं से आपको लिस्ट थोड़ा ना मिलेगी कि कितने लोग जो है वो सिगरेट पी रहे हैं या कितने लोग हैं जो वो पेप्सी पी रहे हैं। आप क्या करोगे, आप लोगों से बात करोगे, आप उनसे पूछोगे जो आपको लगता है कि आपका सैंपल बन सकता है। जो जैसे आपको जो पेप्सी पीने वालों से आपका वो डाटा चाहिए, तो आप लोगों से बात करोगे जो आपको लगता है कि पेप्सी पीता है, जो आपको बताएगा कि वो पेप्सी पीता है, ठीक है? अब आप उसको अपना क्वेश्चनर दोगे और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो ऐसी केसेस में, ऐसी पॉपुलेशन जब होती है, जब आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होता, कोई लिस्ट नहीं होती, पॉपुलेशन इनफाइनाइट होती है, तो उस केस में कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड जो है वो रिसर्चर यूज़ करता है। अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली लोगों से बात करता है और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है बायसनेस। बायसनेस में इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है बायसनेस है, क्योंकि रिसर्चर की मर्जी है कि वो किससे अपना क्वेश्चनर फिल करवाता है, किसको अपने सैम्पल में इंक्लूड करता है, किसको अपने सैम्पल में इंक्लूड नहीं करता। तो ये है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसका जो बेटर वर्जन है वो है, नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग को जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। अब रिसर्चर पर्पसिव सैम्पलिंग जो है कब यूज़ करता है, क्या अजम्पशन इसकी है? तो पहली अजम्पशन है सैम्पलिंग फ्रेम इज़ नॉट अवेलेबल। सेम वही अजम्पशन कि आपके पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, सैम्पलिंग फ्रेम कोई अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद है देयर आर सम स्ट्राटा इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कुछ स्ट्राटाज है, कि पॉपुलेशन जो है आपकी उसमें वेरिएशंस है। एंड थर्ड इज रिसर्चर डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोपोर्शन फ्रॉम ऑल द स्टाटा। जो रिसर्चर चाहता है कि जितने भी स्टाटा है उसकी पॉपुलेशन में, उन सब का रिप्रेजेंटेशन उसकी सैंपल में आए। फॉर एग्जांपल कि मैं एज ए रिसर्चर, मैं यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स पे स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है? तो उस यूनिवर्सिटी में 50 के करीब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, राइट? और मुझे किन्हीं 10 रिसर्च स्कॉलर्स का डेटा चाहिए, जो मेरा सैंपल मुझे चाहिए 10 रिसर्च स्कॉलर्स का। जब मैंने देखा कि उसमें से 10 जो हैं वो बॉयज़ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और 40 जो है वो जो है गर्ल्स रिसर्च स्कॉलर्स हैं। अब एज बीइंग रिसर्चर ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किनको अपने सैंपल में इंक्लूड करती हूँ और किसको नहीं करती। बट मैं इंटेंशनली चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे, आपने देखा कि पॉपुलेशन में 2 स्टाटाज हैं, गर्ल्स का एंड बॉयज़ का, और मुझे सैंपल चाहिए 10 रिसर्च स्कॉलर्स का। तो मैं इंटेंशनली पर्पसफुली ये चाहती हूँ कि 5 मैं बॉयज़ का डेटा लूँ और 5 मैं गर्ल्स का डेटा लूँ, वो मेरी जो स्टडी है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सैंपल बनेगा 5 गर्ल्स का 5 बॉयज़ का, ये मेरे स्टडी को ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे। बट आप एक्चुअल में देखना चाहो, देखो तो 40 गर्ल्स है और 10 जो है वो बॉयज़ है। तो मैं एज ए रिसर्चर मैं 10 की 10 गर्ल्स भी अपने सैंपल में इंक्लूड कर सकती हूँ, बट मैं पर्पसफुली ये चाहती हूँ कि मेरा जो सैंपल है वो मेरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। उसमें बॉयज़ का भी बॉयज़ का भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए और गर्ल्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है पर्पसिव सैम्पलिंग में, कि रिसर्चर पर्पसफुली विद गुड इंटेंशन अपना सैंपल इस तरह से बनाता है कि उसका जो सैंपल है वो उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसके स्टडी को जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो इसमें जो है कैसे करता है रिसर्चर, रिस्पोंडेंट से वो बात करता है और जो उसको लगता है कि जिससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है उसको अपना क्वेश्चनेयर जो है वो उससे अपना क्वेश्चनेयर फिल कराता है। बट ये
रिसर्चर जो है पर्पसफुली अपनी रिसर्च को रिप्रेजेंटेटिव, इसमें रिसर्चर का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि उसका जो सैंपल है वो उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. बट स्टिल ये जो सैंपलिंग मेथड है ये नॉन प्रोबेबिलिटी में सैंपलिंग मेथड में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि लास्ट में रिसर्चर की बायसनेस ही इसमें आती है कि वो किससे चाहे अपना क्वेश्चनेयर भरवाना चाहता है, किससे चाहे वो अपना क्वेश्चनेयर नहीं भरवाना चाहता. तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इसमें बायसनेस आ ही जाती है. चाहे विद गुड इंटेंशन रिसर्चर चाहता है कि उसकी उसका सैंपल उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग. इसके बाद जो सैम्पलिंग आती है वो है कोटा सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग को स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ही कलोन माना जाता है. कोटा सैम्पलिंग में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही स्टाटास बनते हैं. बट हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पढ़ा था कि स्टाटास जो होते हैं जिसमें से लास्ट में जो स्टाटा में से जब रिसर्चर सैंपल लेता है तो वो रैंडम मेथड के थ्रू अपना सैंपल जो है सिलेक्ट करता है. बट कोटा सैम्पलिंग में जब लास्ट में स्टाटा बनता है जिसमें से रिसर्चर को अपना सैंपल लेना होता है, उसमें रिसर्चर जो है वो रैंडम नहीं यूज़ करता, मेथड यूज़ नहीं करता. वो उसमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या इंटेंशन के हिसाब से वो उसको अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करता है उसमें से. मतलब इसमें भी जो लास्ट में जो सैंपल वो सिलेक्ट करता है वो अपनी नीड के हिसाब से वो अपना सैंपल सिलेक्ट करता है. तो इसलिए जो कोटा सैंपलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि इसमें लास्ट में रिसर्चर की जजमेंट या उसकी रिसर्चर की बायसनेस जो है वो प्राइम रोल जो है वो प्ले करती है. अगला जो मेथड है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग. स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपकी रिसर्च ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स नहीं होते. तो आप जैसे आपको कोई एक रिस्पोंडेंट मिला, आपने उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उससे आपने पूछ लिया कि उसके जैसे और लोग कौन है, तो उससे इंफॉर्मेशन लेके आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. तो बेसिकली स्नोबॉल सैम्पलिंग में नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो रिसर्चर जो है अपना सैंपल जो है वो कलेक्ट करता है. सो ये सब है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर आते हैं. So learner, this is all about this sampling methods. So learner, this is all about this session. I hope this session will be useful for you. So till the next session, bye and happy learning.